गुजरात को भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की थी। वो बीच आज एक बड़ा वटवृक्ष बन चुका है और वडोदरा के देसर में आकार ले चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित कर रहे हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भव्य और आधुनिक भवन। 130 एकड़ में फैली और 108 करोड़ से अधिक के खर्च से बनी ये यूनिवर्सिटी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज है। उच्च स्तरीय ट्रेनिंग उपकरण युक्त जिम, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी के लिए मैदान, अंतर्राष्ट्रीय आकार के फुटबॉल मैदान के साथ 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इन सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ ये यूनिवर्सिटी गुजरात के युवा खिलाड़ियों को जीत के जज्बों से भर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर द्वारका तक के छात्र इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से नए नए विचारों और तकनीक के साथ खेल के क्षेत्रों में ये यूनिवर्सिटी अपना नाम रोशन करेगी। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने यहाँ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सभी प्रयास स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुजरात और भारत की प्रोफेशनल प्रेजेंस को और मजबूत करेगी। अब गुजरात का लक्ष्य है खिलाड़ियों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज से आगे जाकर विशिष्ट स्पोर्टिंग सुविधाएं गुजरात में मुहैया कराना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फिटनेस सेंटर, हॉस्पिटल, योगा सेंटर, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स सेंटर्स, क्लब और आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बनाना, ताकि गुजरात के विद्यार्थियों को मिले बेस्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन, वो बने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हिस्सा और गुजरात को बनाया जा सके भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेल के क्षेत्र में गुजरात की एक नई पहल।